हाय फ्रेंड्स, आज के हमारी रेसिपी है चिकन कौरमा। चिकन कौरमा स्पेशली शादियों में बनाते हैं। आइए देखते हैं इसे घर पर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 चम्मच तेल लेते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें गरम मसाले डालते हैं। इसमें हमने तेजपत्ता, साजीरा, दालचीनी, इलायची और काली मिर्च लिए हैं। अभी हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को अच्छी तरह से हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। हमने अदरक लहसुन के साथ में थोड़ा सा हरा धनिया पीसे है, उससे थोड़ा से आपका जो अभी हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। अभी चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसालों में। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। अभी हम इसमें आलू डालते हैं। एक चम्मच गरम मसाला डालते हैं, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हमारा स्पून का साइज छोटा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 4 चम्मच डालते हैं। इसमें अभी हम 1 चम्मच दही डालते हैं। और अभी यहाँ पर हमने एक छोटा साइज का टमाटर लिया है, वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। अभी हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी गैस पर पकने देते हैं। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से पक गया है, गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें पानी ऐड करते हैं। हमें अपना चिकन का कौरमा पतला बनाना है, उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं।
अभी हमने नमक डाले इसके अंदर, इसे मिक्स कर लेते हैं और धीमी गैस पर 10 से 15 मिनट इसे पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन का कौरमा रेडी है। अभी हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, चिकन कौरमा रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर जरूर भेजिए। थैंक यू।